इंडिया और भारत नाम को लेकर अब राजनीति गरमाने लगी है। भारत से इंडिया को अलग करने के खिलाफ अब तृणमूल कांग्रेस सड़क पर उतर गई है। हुगली जिले के तृणमूल कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ बड़ी रैली निकाली। रैली में कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। स्थानीय विधायक असित मजूमदार और सैकड़ों तृणमूल कार्यकर्ता उपस्थित रहे। तृणमूल कार्यकर्ताओं ने संविधान के प्रतीक लिए हुए प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए लोग नजर आए। विधायक असित मजूमदार ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, इंडिया नाम से महागठबंधन का गठन होने के बाद से भाजपा तिलमिला गई है। भाजपा को समझ में आने लगा है कि 2024 में कांटे की लड़ाई होने वाली है, इसलिए भाजपा वाले इंडिया नाम को हटाने में लगे हैं। तृणमूल का सभा हो या रैली में भारत माता की जय का नारा नहीं देखने को मिलता, लेकिन आज की रैली में इंडिया जय के साथ भारत माता की जय भी देखने को मिला। और साथ ही आपको बताते चले, नारेबाजी को लेकर हुगली जिला भाजपा सचिव सुरेश साव की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। सुरेश साव ने कहा कि विधायक साहब भी जानते हैं भारत माता हम सभी के दिलों में बसती है, यह रैली सिर्फ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दिखाने के लिए निकाली गई है। কালে কি INDIA জোটকে কি ভয় পেয়েছে বলতে পারবেন? অবশ্যই ভয় পেয়েছে, এটাই তার প্রমাণ। ইন্ডিয়া জোটকে ভয় পেয়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এটা নরেন্দ্র মোদীজি ব্যবহার করছেন। আমরা ইয়ে বাত আপকো বাতানা চাহতে হ্যায় জো 76 বরস মে ইন্ডিয়া কো কোই প্রধানমন্ত্রী অর রাষ্ট্রপতি জি अलग नहीं किया। इंडिया और भारत माता महान है, ये कौन बताया? नरेंद्र मोदी जी को पिताजी नहीं बताया, ये तो बताया जवाहरलाल नेहरू जी और राजीव गांधी जी। तो राजीव गांधी जी एवं जवाहरलाल नेहरू जी बताया मेरा भारत महान है, और नरेंद्र मोदी जी को सिक्का देने नहीं जरूरत है। हम लोग जानते हैं जे मेरा भारत और मेरा इंडिया एक ही है, एक ही माँ का संतान है, और हमको माता भारत है और इंडिया है। भारत को इंडिया को जो अलग करने चाहेगा उसको भारत नाम निये उनार कोनो समस्या नहीं। সমস্যা হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী, আর তাকে খুশি করতেই আজকে এই প্রতিবাদ মিছিল বিধায়ক মশাই বার করেছে। এদিকে ভারত নিয়ে প্রতিবাদ জানাচ্ছে, অথচ মুখে দেখা যাচ্ছে ভারত মাতার জয়ের ধ্বনি। এটা আবার কী ধরনের প্রতিবাদ? যাক, শুভবুদ্ধির উদয় হয়েছে, মুখে ভারত মাতার জয়ের ধ্বনি শোনা গেছে, এটার জন্য আমরা বিধায়ককে ধন্যবাদ জানাই। সুরেশ সাহু, হুগলি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সাধারণ।